असल स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लेसन इन इंग्लिश टेंसेस तो ये हमारा इंग्लिश टेंसेस का फोर्थ लेसन है इससे पहले के थ्री लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को स्टडी कर चुके हैं तो आज के लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे तो हम इस टेंस को समझने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर लेसन के एंड पे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे जो नॉर्मली डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है ये ऐसा टेंस है जो किसी ऐसे काम को जाहिर करता है जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहा हो ओके okay? जो मौजूदा वक्त में काम हो रहा हो ये उसको रिप्रेजेंट करता है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस इन ऑन गोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इट शोज एन एक्शन देर इज इन प्रोग्रेस ओके तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं okay? ये टेंस जो है वो किसी काम के प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रोग्रेस में होने को जाहिर करता है तो ये ये शो करता है कि कोई काम जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहा है प्रोग्रेस में है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि वो हो रहा है अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग नाउ अब देखें ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का है इस सेंटेंस में कोई एक्शन जो है वो हो रहा है वो जारी है प्रोग्रेस के अंदर है ही इज प्लेइंग नाउ यानी वो खेल रहा है ठीक है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ही इज प्लेइंग एट द मोमेंट ठीक है यानी वो अभी खेल रहा है ही इज प्लेइंग राइट नाउ इस तरह भी कह सकते हैं या सिंपली ही इज प्लेइंग ठीक है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस है ठीक है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को बाजात हम फ्यूचर टेंस के तौर पर भी यूज करते हैं सो so, ज ऑलसो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन देर इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बात नियर फ्यूचर के जो टेंसेज होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टमोरो मैं कल अपने दोस्त से मिल रहा हूँ इट मीन्स की ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में होगा कल होगा लेकिन इसको किस में लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है मैं इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकता था कि आई शैल मीट माई फ्रेंड टू मोरो लेकिन हमने सेम चीज को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ लिखा हुआ है कि आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू मोरू इसी तरह वी आर गोइंग टू लाहौर दिस वीकेंड कि इस वीकेंड हम लाहौर जा रहे हैं इट मीन्स कि हम इस वीकेंड लाहौर जाएंगे इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में भी लिख सकते थे कि वी शेल गो टू लाहौर दिस वीकेंड या वी विल गो टू लाहौर दिस वीकेंड लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं तो प्रेजेंट कंटिन टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसके जुमले उर्दू में किस तरह होते हैं तो उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुम जो जुमले होते हैं उनके आखिर में क्या होता है रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ वगैरह आता है तो जिससे हमें ये पता चलता है कि काम जो है वो मौजूदा जमाने में प्रोग्रेस में है हो रहा है अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तो आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कोई सिंपल सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस तो अब पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की वो क्या होगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के बाद हम ऑगजेलरी वर्ब यूज़ करेंगे ठीक है और ऑगजेलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है ठीक है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो क्या होंगे इज एम आर तो इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा तो इंग्लिश में जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंसेज uh, होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस तरह जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ठीक है और उसके बाद ऑगजिलरी वर्ब आ जाएगा तो ऑगजिलरी वर्ब इज एम आर इसको बी वर्ब भी कहा जाता है ठीक है बी वर्ब तो बी वर्ब या ये जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इनमें से कोई आएगा उसके बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेज में और फिर वह आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट और इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है या ये जो ऑग्जिलरी वर्ब है इज एम आर तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा इसी तरह हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज भी होते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगेन सबसे पहले ऑगजिलरी uh, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो इस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी ये स्ट्रक्चर होती है अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जो कि आपको नॉर्मली डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं जिनको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी कहा जाता है नाउ लेट्स डू सम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स तो आपको गिवन ब्लैंक्स के अंदर वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो फिल इन करनी है अब किसी भी वर्ब की जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है वो क्या होती है जैसे कि अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म जो होती है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग uh, वर्ब आ जाता है सबसे पहले इज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाता है तो ये होती है वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म तो अब देखें फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास कि आई डैश टू वॉच अ मूवी और यहां पे जो वर्ब है गो है गो वर्ब जो है इसकी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म लगानी है तो जहर है अब हम एज एम या आर को यूज करेंगे तो अब आय है तो आय के साथ क्या आएगा डेफिनेटली आय के साथ जो है वो एम uh, आता है अब गो की जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म होगी यहां पे वो क्या होगी एम एम गोइंग सो आई एम गोइंग टू वॉच मूवी ठीक है अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस में है जी वी डैश इन द नियर बाय पाक प्ले आप प्ले की प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म लगानी और सब्जेक्ट है वी we. तो वी के साथ है आर आएगा तो आर प्लेइंग तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो जाएगी यहां पे आर प्लेइंग सो वी आर प्लेइंग इन द नियर बाय पार्क और थर्ड सेंटेंस में द बॉयज डैश इन द पॉन्ड और वर्ब है यहाँ पे स्विम तो स्विम की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होगी स्विमिंग लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो अब क्योंकि यहाँ पे द बॉयज है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आर क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगेगा तो द बॉयज आर और स्विम के साथ जब आई एन जी लगाएंगे तो इसके स्पेलिंग में भी थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी इसमें डबल एम हो जाएगा स्विमिंग Okay, the boys are swimming in the pond and now in the fourth sentence ronaldo dash his team aur और pe verb humne हमने लगाना है जी, train. तो train की यहाँ पे जो प्रेजेंट uh, continuous फॉर्म होगी वो क्या होगी ट्रेनिंग और रोनाल्डो क्योंकि यहाँ पे एक singular है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा इज सो रोनाल्डो इज ट्रेनिंग तो ट्रेन के साथ आईएनजी लगाएंगे सो रोनाल्डो इज ट्रेनिंग हिज टीम तो रोनाल्डो अपनी टीम को ट्रेन कर रहा है उसकी तरबियत कर रहा है नेक्स्ट नंबर फाइव आई डैश अलादीन एंड द मैजिक लैंप रीड अब रीड की प्रेजेंट कार्डिट फॉर्म तो आई है तो आई के साथ क्या आएगा एम सो आई एम और रीड है तो रीडिंग हो जाएगा आई एम रीडिंग अलादीन एंड द मैजिक लैम्प तो मैं अलादीन और मैजिक लैम्प पढ़ रहा हूं ये मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूं नौ नेक्स्ट जो हमारे पास है सेंटेंस नंबर सिक्स द मैन डेश ऑन द स्ट्रीट्स और यहां पे जो वर्ब है बैग मांगना ठीक है तो द मैन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इसके साथ इज तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इज स मैन इज और बैग के साथ जब हम आई एन जी ले तो ये बन जाएगा बैगिंग यहाँ पे स्पेलिंग भी चेंज हो जाएंगे डबल जी आ जाएगा बी ई डबल जी आई एन जी द मैन इज बैगिंग ऑन द स्ट्रीट्स ओके तो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब की क्या होती है कि उससे पहले हेल्पिंग uh, वर्ब लगता है इज एम या आर और फिर वर्ब के साथ आई एनजी लगता है ये हमारे पास एक और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर टू चेंज द गिवन सेंटेंसेज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अब आपको डिफरेंट टेंसेज uh, के सेंटेंसेज यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आपके पास ही गोज टू प्ले इन द पार्क तो ये कौन सा टेंस है इस टेंस पे हम ऑलरेडी लेसन देख चुके हैं ठीक है अब क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्मले के साथ एस ये यस लगा हुआ है तो ये क्या होगा जी ये प्रेजेंट इन टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में ज़ाहिर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इज और फिर गो यहाँ पे मेन वर्ब है तो उसकी कॉन्टीन्यूस फॉर्म आई एन जी लग जाएगी गोइंग हो जाएगा सो ही इज गोइंग टू प्ले इन द पार्क इसका जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फॉर्म बनेगी वो होगी ही इज गोइंग टू प्ले इन द पार्क इस तरह जो सेकेंड सेंटेंस है वी बॉट अ न्यू कार अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का है यह सिंपल पास्ट टेंस का है अब इसको भी जब हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट वी है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा और यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो बाय है बाय के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी आर बाइंग अ न्यू कार तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये इस तरह हो जाएगा नंबर थ्री वी लेफ्ट फॉर दुबई अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनेट का है ये सिंपल पास्ट टेंस का है तो अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में वी के साथ आर आ जाएगा और लेफ्ट का यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज हुआ वो है लीव तो लीव के साथ आई एनजे लगाएंगे सो वी आर लीविंग फॉर दुबई तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में चला जाएगा नंबर फोर सेंटेंस जो है आई क्लीन माई रूम ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसको भी जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई एम क्लीनिंग माई रूम इस तरह लास्ट में यू प्रोजेक्ट तो ये पास्ट पास टेंस का सेंटेंस है और इसको जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यू आर अ न्यू प्रोजेक्ट तो इस तरह हमने डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज टेंस में कन्वर्ट किया अब एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो वर्ब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसकी करेक्ट फॉर्म आपने यूज करनी है ठीक है तो नॉर्मली यहाँ पे जो आ, आ, जो करेक्ट फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज की हैं बेसिकली आपने सेंटेंस को सही तरह देखना है उसके टाइम को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने करेक्ट फॉर्म चूज करनी होती है ही डैश राइट नाउ अब क्योंकि ये आ, जो अभी कोई काम हो रहा है ठीक है और टाइप यहां पे मेन वर्ब है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में लिखा जाएगा तो टाइप की प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज फॉर्म क्या होगी इज टाइपिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद टाइपिंग तो अभी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज टाइपिंग तो यहां पे ये यह हो जाएगा जी सो ही इज टाइपिंग सो ही इज टाइपिंग राइट नाउ और सेकेंड सेंटेंस में वट डैश एट द मोमेंट यू डू अब सब्जेक्ट यू है और जो वर्ब है वो डू है तो डू की जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म होगी वो क्या होगी डूइंग uh, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा वट और यू यू के साथ आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आर होगा लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा तो ये बन जाएगा वट आर यू डूइंग वट आर यू डूइंग एट द मोमेंट और थर्ड सेंटेंस में द सन डे नाव तो यह भी प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ राइज अब द सन इसके साथ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज आएगा द सन इज और राइज के साथ जब हम आई एन जी ए लगाएंगे तो ये इसके स्पेलिंग होंगे आर आई एस आई एनजी राइजिंग दन इज राइजिंग नाव और नंबर फोर वी डैश डिनर एट द कैफे टू नाइट अब देखें ये अब इसको हम फ्यूचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं प्रेजेंट क्वान्यूज को कि हमने रात को डिनर करना है तो हम इसको, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सो वी आर सो वी आर ईटिंग वी आर ईटिंग डिनर एट द कैफे टू नाइट इस तरह भी हो सकता है ये इसको हम सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हैं कि वी शेल डिनर एट द कैफे टू नाइट सो वी शेल या वी विल ईट डिनर एट द कैफे टू नाइट यह इस तरह भी लिखा जा सकता था लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है तो लास्टेंस नंबर फाइव दे, देश मरी टमोरो to तो विजिट तो यहां इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि दे विल विजिट मरी टू मोरो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं लेकिन इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं फ्यूचर फॉर्म को सो दे आर विजिटिंग मरी टूमोरो तो क्या होगा जी दे आर और विजिट के साथ आई एन जी लगाएंगे तो विजिटिंग सो दे आर विजिटिंग मरी टूमोरो तो आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को स्टडी किया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो किसी भी ऑन गोइंग एक्शन को प्रेजेंट टाइम में रिप्रेजेंट करता है यानी ये किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो कि मौजूदा वक्त में हो रहा होता है प्रोग्रेस में होता है इसीलिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है ठीक है और इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो सब्जेक्ट के बाद इज एम या आर कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है नेगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम या आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है और फिर हमने वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म देखी कि वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है